प्लेयर अच्छा है या प्लेयर बुरा है, इसका फैसला तो मैं करूंगा कृष्णा जी। अब आप बोलोगे, मैम आज आप इतने फिल्मी डायलॉग्स क्यों मार रहे हो? मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, आप लोग कुछ इंटरेस्ट दिखाओ इसलिए। तो ये जो फिल्मी डायलॉग है, ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे फेमस एक्टर दैट इज शाहरुख खान। लेकिन कौन सी मूवी में बोला है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये डायलॉग मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि ये डायलॉग से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज मैनेजमेंट। ये डायलॉग से आपको शाहरुख खान की क्या दिखेगी? यहाँ पे कुछ लीडरशिप स्किल्स दिख रही है और कुछ मैनेजमेंट स्किल्स दिख रही है, जो कि इस मूवी में आप लोगों ने सबने देखी होगी और सबको ये मूवी का नाम भी पता होगा। इस मूवी के अंदर पूरे मैनेजमेंट लेसन बहुत कुछ बताए गए हैं। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर दैट इज फर्स्ट, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मुझे जो काम करवाना है मैं क्या कर रही हूँ, किसी और से करवा रही हूँ। अगर बिजनेस में जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, अपना काम करवाते हैं, ठीक है? तो उन्हें इतना बॉसी लुक भी नहीं देना है, लेकिन उन्हें अपना काम बहुत अच्छे से करवाना पड़ेगा। उसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। हम ये देखते हैं मैनेजमेंट हर एक फील्ड में होता है, एडुकेशन के फील्ड में है, रिलीजियस के फील्ड में है, या कोई भी आप देख लो, मैनेजमेंट आपके घर में भी रहता है, राइट? मैनेजमेंट होता ही है। और हम वैसे ही देखते हैं बिजनेस में भी मैनेजमेंट रहता है। देन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल मैन मशीन मटेरियल मेथड मनी एंड मार्केट। ये सब चीजें क्या है कि पहले हम प्लान करते हैं और फिर हम ये चीजों को कंट्रोल करते हैं कि मैन को कैसे वर्क देना है, कैसे मनी कंट्रोल करना है, कैसे हमें मेथड्स लगानी है, कैसे हमें मनी को कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक तरीके से मैनेजमेंट है। इट प्रोवाइड लीडरशिप कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हैव टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से आप अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हो, उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस, जैसे मैंने बताया हर एक फील्ड में आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। जैसे एडुकेशन फील्ड है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई टीचर, कोई मैम अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करती है, कैसे उन्हें मोटिवेट करती है कि आप स्टडी करो, कैसे उन्हें एंकरेज करती है, तो वो क्या एक तरीका मैनेजमेंट है, राइट? वैसे ही आपके घर में मैनेजमेंट होता है, मम्मा पूरे घर को कैसे संभालती है, दैट इज मैनेजमेंट। और वैसे ही बिजनेस में है, तो ये क्या, ये एक तरीके से यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आपको अपना गोल अचीव करना है, तो उस केस में आपका मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे 50 लाख का टारगेट अचीव करना है प्रोडक्शन का, तो उस केस में आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको, राइट? दैट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्या हम देखते हैं मैनेजमेंट एक ही जन के हाथ में रहेगा? नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 पर्सन। हम देखते हैं मैनेजर्स होते हैं, बीओडी में मेंबर्स होते हैं, फिर जनरल मैनेजर्स होते हैं, तो ये लोग सब मिलके काम करते हैं ना। जब भी पूरा मैनेजमेंट होता है ना, तो इतने बड़े बड़े बिजनेस को क्या एक ही जन संभालेगा? नहीं। तो वही चीज है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेरा टारगेट अभी 50 लाख का है, वो मैंने अचीव कर लिया, मैंने मेरी मैनेजमेंट प्रोसेस लगाई, तो क्या वहीं पे फिनिश हो गया मेरा मैनेजमेंट? नहीं, उसके बाद मैं बोलूंगा मेरा नेक्स्ट टारगेट अचीव करना है, मुझे उसके लिए मुझे मैनेजमेंट प्रोसेस लगानी है। तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहती है, और उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। देन ह्यूमन प्रोसेस। अब मैनेजमेंट हम किस पे लगाते हैं, राइट? सुपरवाइजर्स पर, वर्कर्स पर, मिडिल लेवल पे लगाते किस पे, इन लोगों पे। तो ये क्या है, ये लोग भी ह्यूमन है। और करता कौन है मैनेजमेंट, जो हम बोलते हैं हमारे जनरल मैनेजर्स है, हमारे बीओडी है, सीईओ है, ये सब लगाते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी ह्यूमन हुई ना, कि ह्यूमंस ही है जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, किस पे, मैनेजर्स पे, राइट? तो वर्कर्स पे ही मैनेजमेंट लगाया जा रहा है, और लगा कौन रहे हैं, ह्यूमंस ही लगा रहे हैं। तो पूरा ये खेल किसका है, ये सब ह्यूमंस का खेल है। देन डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट जब करते हैं, तो मैनेजर को हर एक स्टेप पे हम बोलते हैं डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करने, तो ये सब क्या है, ये सब डिसीजंस है जो कि एक मैनेजमेंट प्रोसेस में प्रिवेल करते हैं। एंड लास्ट इज फाइंस आर्ट एंड प्रोफेशन।
मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? साइंस भी बोला गया है, आर्ट भी बोला गया और प्रोफेशन भी बोला गया है। क्यों बोला गया है वो हम आगे देखते हैं, राइट? डिटेल में हम ये चीज देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ये मैं हमने फर्स्ट लाइन में देखा था कि हर एक फील्ड में, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक फील्ड में ये इसकी जरूरत है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितना हमारे पास जो मनी है, हमारे पास मटेरियल्स है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, वो किससे होगा? वो मैनेजमेंट से होगा। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हम इन लोगों का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वर्कर्स को किस टाइम ब्रेक देना है, उनको किस तरीके से काम देना है, मनी को हमें कहाँ प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? जब हम बोलेंगे हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने देखा कि गोल को अचीव करने के लिए आपके पास अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। यूजफुल फॉर दी सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं डिमांड कितनी हो रही है, तो क्या ये मैनेजमेंट है? नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ, हर एक डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे इंक्रीज होगी? जब बिजनेस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तब उसका एक्सपांशन होता है, और जब एक्सपांशन होता है तो एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, और जब एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड कम हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। देन इंक्रीज इन प्रॉफिट, अब ये भी पूरा मैनेजमेंट का खेल है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, क्या एडवर्टाइज करके डिमांड करनी है हमें क्रिएट, तो ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट देखेगा कि किस तरीके से हमें हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। देन सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट कैसे होगा, जब हम सोशल वेलफेयर करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करके, चीप रेट पे अपना प्रोडक्ट बना के, कि ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी अफोर्ड कर सके। हमारा प्रोडक्ट जगह जगह बिकना चाहिए, सेल होना चाहिए, हर एक पर्सन हमारा प्रोडक्ट यूज करे, और वो यूज कैसे करेगा, जब चीप रेट पे होगा। तो इस तरीके से आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो। एंड लास्ट इज नेशनल मोटिव, कि नेशनल हमें डेवलपमेंट करना है। नेशनल ग्रोथ कैसे होगा, जब आप एम्प्लॉयज को क्या दोगे, अपॉर्चुनिटीज दोगे एम्प्लॉयमेंट की, जब आप एक के कस्टमर तक आपने आपका प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, क्यों? क्योंकि चीप रेट पे। तो ये सब क्या है, जब लोगों के पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जब लोग एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, उस केस में अपने आप आपके नेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, क्लियर? तो ये सब हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, देखो ये एक रिवीजन बैच है बेटा, तो मैं इतना डिटेल में आपको चीजें नहीं बताऊंगी, दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन, कि आप फटाफट कैसे रिवाइज कर सकते हो चीजों को। आपके एग्जाम के वन डे बिफोर आप पढ़ सकते हो, या आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको एक बार रिवाइज करना है, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो, क्लियर? नाउ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट को इन्होंने बाइफर्केट किया है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन में, जो हमने नेचर में देखा था एक पॉइंट था। तो साइंस क्यों बोला गया है इसको, कि जिस तरीके से बोलते हैं साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, कोई भी न्यू इन्वेंशन आ गया तो उसमें देखा जाता है कि इसके ये कॉसेस हो सकते हैं, ये इफेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये देखा जाता है कि यार इस तरीके से सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना? तो एक चीज ये हो गई। देन नेक्स्ट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि अगर आप साइंस में देखोगे तो उसमें भी आपको बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए अच्छा, और वैसे ही अगर आप मैनेजमेंट में देखोगे उसमें भी आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, तो वही चीज है ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, साइंस के केस में भी कुछ फैक्ट्स की जरूरत होती है, कोई भी चीज इन्वेंट करने से पहले उसकी पूरी डिटेल वेरिफिकेशन सब कुछ देखा जाता है, तो वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मैनेजमेंट करने से पहले आपको सारे उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, कि मैनेजमेंट एक तरीके का साइंस है। देन मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया। अब आर्ट क्या हो गया, कि आप जब एक्शन लेते हो, जब आप वो चीज करते हो तो उसे आर्ट बोला जाता है, तो वैसे ही वो बोला मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम एक्चुअल करते हैं, हम हमारी पर्सनल स्किल्स बताते हैं उसमें, हमारे टेक्निकल आर्ट बताते हैं उसके अंदर, तो वो क्या हुआ, वो एक तरीके से आर्ट हुआ, राइट? क्योंकि ये बोल रहा है कि आर्ट में, कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा,
आपको प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। तो वही चीज हम बोलते हैं मैनेजमेंट में, हम एक्चुअल प्रैक्टिकली करते हैं कि ताकि हमें क्या हो कि मैनेजमेंट को आर्ट भी इसी तरीके से बोला गया है। पर्सनल स्किल, इंसाइट एंड क्लेवरनेस होना चाहिए एंड टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। देन इसे प्रोफेशन भी बोला गया। क्यों? जिस तरीके से बोलते हैं प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, वैसे आपको मैनेजमेंट में भी होना चाहिए। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन है, सीए है, लॉयर है, तो इसमें आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, डिग्री मिलती है। तो वैसे ही आप जब मैनेजमेंट करते हो तब बोलते हो डिग्री आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है ना, बैचलर होता है डिग्री, फिर मास्टर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या, ये भी स्पेशलाइज नॉलेज का पार्ट है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च, नॉलेज एंड रिसर्च आपका दोनों ही चीजों में बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। प्रोफेशन एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम बोलते हैं एसोसिएशन है, आईसीएआई, आईसीएसआईसीएस का है, तो वैसे इनका भी होता है आईआईएम, है ना, तो ये सब क्या एसोसिएशन इनके भी होते हैं। देन कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है, वैसे ही मैनेजमेंट का होता है। एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बोलते हैं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नेशन, आपके सोसाइटी के लिए, आप लोगों का होता है, दैट इज मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन दोनों में होता है। तो ये सब चीजें हमने देखी कि मैनेजमेंट को किस तरीके से आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन के साथ लिंक किया गया है। क्लियर? देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इस केस में थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये हमें सबको पता है, दैट इज टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड देन बॉटम लेवल। टॉप में कौन आ गया? हमारा बीओडी आ गया, एमडी एंड जनरल मैनेजर्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल। इसे सुप्रीम अथॉरिटी भी बोला गया क्योंकि यहाँ पे सब सुप्रीम अथॉरिटी वाले लोग इंक्लूड होते हैं। देन मिडिल लेवल को ऑफिसर्स लेवल बोला गया। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंटल के जो हेड से वो इंक्लूड हो गए हमारे टॉप लेवल में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स में सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का मार्केटिंग में हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर है। एंड लास्ट इज बॉटम लेवल, जिसको हम सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। यहाँ पे सारा सुपरवाइजरी वर्क होता है, जब तो यहाँ सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन, जॉबर्स, ये सब हो गए, क्योंकि ये सब सुपरवाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज के वर्क को। सो दिस थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे। अब इसके कुछ फंक्शन है वो भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इट इज वेरी इजी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, देन मिडिल का क्या है, बॉटम का क्या है, हमें सबको पता है, बस एक बार हमें ये गो थ्रू करना है। तो लेट्स डू। प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कौन देखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने। डायरेक्टर एक्ट एज ट्रस्टीज, उन लोगों को एक तरीके से ट्रस्टीज के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, ट्रस्टीज जैसे ही हो गए डायरेक्टर्स। ये लोग सिलेक्ट करते हैं सीईओ और हायर ऑफिसर्स अथॉरिटीज, जिसको देनी चाहिए वो ये लोग सिलेक्ट करते हैं। बजट को सेंक्शन करना, कितना इस साल का हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग भी सारे डिपार्टमेंट में भी बजट बना दिया जाता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हमारा टारगेट क्या है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, ये सब टॉप लेवल देखेगा। अबाइड बाय लॉ, कुछ लॉज रेगुलेशंस होते हैं। एंड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट या हमारे जो भी क्रेडिटर्स हैं जिसे हमें पेमेंट करना है, ये सब बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो टॉप लेवल ये ध्यान रखता है कहीं उनके इंटरेस्ट को हार्म नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सही टाइम पे पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। एनालाइज एंड रिजोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई मिडिल लेवल को या बॉटम लेवल को तो किसके पास जाएंगे? टॉप लेवल के पास। और ये ऐसे नहीं कि सॉल्व नहीं करेगा, ये सॉल्व करेगा, तो इसे ये रिजोल्व किया जाता है। प्लान फॉर एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज का काम इसका है। फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये कौन करेगा? टॉप लेवल की इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से कितना हमें डिविडेंड देना है और कितना हमें डिविडेंड नहीं दे के हमें रिजर्व बनाना है कि ताकि हम आगे री इन्वेस्टमेंट कर सके हमारे कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये मिडिल और बॉटम लेवल तो नहीं देखेगा ना, ये तो टॉप लेवल का काम हो गया। क्लियर? एंड देन एनालाइज रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज की रिपोर्ट भी यही एनालाइज करेगा। सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। देन नेक्स्ट इज मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल क्या करेगा? जो टॉप लेवल ने यहाँ पे जो भी क्रिएट किया है, जो भी इसने बताया कि ये करना है, वो उसको इंप्लीमेंट करना, गोल को कैसे अचीव करना है, वो कौन करेगा? मिडिल लेवल उसको इंप्लीमेंट करेगा। कैसे करेगा? इंप्लीमेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीईओ, बजट बाय ईच डिपार्टमेंट हेड। अब ये अपने अकॉर्डिंग अपना बजट बना लेंगे और फिर पास करवाएंगे किससे? टॉप लेवल मैनेजमेंट से। अपनी पॉलिसीज, रूल, स्ट्रक्चर्स, ये हर एक डिपार्टमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा और कैसे उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना टारगेट होगा, अपना ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए भी इनको अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, टू मेक अटेम्प्ट्स
टू एंथुसियाइज द एम्प्लॉइज, कैसे उनको एनकरेज कर सके वो भी ये देखेंगे। फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन, सब डिविजन मतलब परचेस डिपार्टमेंट है, फिर उनके अंदर उन्होंने और डिविजन बना दिए कि ये परचेस डिपार्टमेंट है जो कि रॉ मटेरियल्स परचेस करेगा, ये परचेस डिपार्टमेंट में ये एक सेक्शन बना दिया जो कुछ और काम करेगा। तो वही चीज है कि उसमें डिपार्टमेंट में आपने कैसे सब डिविजन किए हैं। सुपरवाइज का काम करेगा कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, कैसे टच में रहना है। टू हेड टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, कैसे पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प की जाएगी उस तरीके से ये देखेगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ बॉटम लेवल मैनेजमेंट अब क्या काम करेगा वो देखते हैं हम। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज को वर्क दिया गया है सबको सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, ये सब किसका काम है? बॉटम लेवल का, राइट? तो वही चीजें यहाँ देखी जाएगी। मेंटेन डिसिप्लिन करना, उनका मोरल बूस्ट करना, रूटीन वर्क बनाना डिपार्टमेंट्स का, परफॉर्म फंक्शन लाइक ट्रांसफर प्रमोशन ट्रेनिंग देनी है, तो ये सब चीजें कौन करेगा? बॉटम लेवल करेगा। इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू कैरी आउट डिपार्टमेंट फंक्शंस, अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी फंक्शन जैसे रिपेयर या कुछ मेंटेनेंस मशीनरी का कराना है, कुछ उनको इश्यूज आ रहे हैं तो वो कौन सॉल्व आउट करेगा? यहाँ पे बॉटम मैनेजमेंट। देखो पहले तो बॉटम मैनेजमेंट के पास ही काम जाएगा, फिर वो नहीं होगा तो फिर टॉप के पास जाएगा। तो जब तक होता है ये बॉटम लेवल सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देन सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी एंड फॉरवर्ड रिपोर्ट सजेशन कंप्लेन, कुछ भी होगा तो किसके पास जाएगा? पहले मिडिल लेवल के पास और फिर टॉप। जैसे हम बोलते हैं प्रोसेस चल रही, बॉटम से मिडिल फिर मिडिल से टॉप के पास जाएगा। तो ये हमने कुछ फंक्शंस देख लिए, तीनों लेवल के हमने देख लिए, डेट इज टॉप मिडिल एंड बॉटम। नाउ अब इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है डेट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है? तो टॉप लेवल में हम बोलेंगे मैनेजमेंट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कम है, जो छोटे मोटे लोग काम करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कम हो गया ना, जैसे हम बोलते हैं ऑफिस वर्क हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो गया, प्रिंटआउट्स वगैरह हो गए, तो वो यहाँ पे कम रहेंगे। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट कम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रहेगा, और बॉटम में तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है समझ लो तुम, यहाँ पे मैनेजमेंट तो बहुत कम रहने वाला है। देन इंक्लूड्स यहाँ पे बीओडी एमडी जनरल मैनेजर, यहाँ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, सुपरवाइजर जॉबर्स इन फॉर्म है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दोनों ही ज्यादा रहेगी, टॉप लेवल है दोनों ही रहना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिडिल लेवल में ऑथोरिटी कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी ना, यहाँ पे लीस्ट ऑथोरिटी रहेगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे सबसे कम रहेगा, टॉप लेवल में तो सबसे कम हम बोलते हैं ना मेंबर्स रहने चाहिए, वैसे भी सीक्रेसी मेंटेन रहने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, तो वहाँ पे यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे ज्यादा रहेंगे थोड़े मिडिल लेवल में, और बॉटम में तो हम बोलेंगे और ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हम बोलेंगे सब कोई वर्कर्स है जिनको सब काम करना है। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस टॉप लेवल में हम देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटेंस चाहिए आपको, यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज आपको डिपार्टमेंट का चाहिएगा, जो आप फील्ड में हो उसका चाहिएगा, और यहाँ पे वंस ओन डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट का भी चाहिएगा, क्योंकि डिविजन्स के बाद डिपार्टमेंट में हमने कहा सब डिविजन्स भी होंगे, तो उस केस में यहाँ पे आपको सब डिपार्टमेंट का भी चाहिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज यहाँ पे क्रिएट होगी, तो यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी बनाई जाएगी, राइट? बेसिक्स यहाँ पे क्या है वो यहाँ ये इंप्लीमेंट करेंगे जो बनाया गया है टॉप लेवल ने, और यहाँ पे पॉलिसी और डिसीजन जो टॉप एंड मिडिल लेवल बनाए हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे किसकी रहेगी? अकाउंटेबल मैंने ये स्टेक होल्डर्स वाला अपने पॉइंट देखा था कि ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, शेयर होल्डर गवर्नमेंट कैटर सबके लिए, यहाँ पे अकाउंटेबल ये टॉप लेवल के लिए रहेंगे कि जो टॉप लेवल ने कहा है वो होना चाहिए, और यहाँ पे बॉटम लेवल जो है वो मिडिल लेवल के लिए अकाउंटेबल रहेगा। अकाउंटेबल मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबल, मैं ही इसके लिए जिम्मेदार रहूंगी, ठीक है? डिसीजंस यहाँ पे ज्यादा रिस्की डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ लेस और यहाँ पे लीस्ट रिस्की, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बोला जाएगा कि ये करना है तो उनको सिर्फ करना है, राइट? तो यहाँ पे रिस्क तो रहेगी नहीं समझ लो तुम, बॉटम वाले में सबसे ज्यादा रिस्की काम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। क्लियर? तो ये हमने तीनों में डिफरेंसेस देख लिए। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब हमें पता है फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमें पता है बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब प्लानिंग मतलब क्या हो गया? कंसिडर इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू एंड व्हेन वर्क इज टू बी फिनिश्ड, तो ये सब चीजें क्या है? प्लानिंग। अगर आपने मूवी देखी होगी बैंड बाजा 12, तो उसके इसमें क्या है हमने देखा, अनुष्का और रणबीर जो है वो क्या करते हैं, वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कैसे अचीव करना है अपने टारगेट को। उन लोगों ने यहाँ पे क्या करा, वेडिंग प्लानर थे वो लोग, तो उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव किया, एक प्लानर
प्लानिंग करके पूरी, तो वो क्या है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग, क्लियर। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया कि कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स में कितने लोग होने चाहिए, तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। एंड देन स्टाफिंग, स्टाफिंग हम बोलते हैं एम्प्लॉयज, हम बोलते हैं एम्प्लॉयज लिम्स होते हैं बिजनेस के, मतलब हाथ और पैर होते हैं, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होती है कि इतने हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमें उन्हें रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को, तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्टाफिंग की। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देना, इस तरीके से आपको काम करना है, गाइडेंस देना उन लोगों को, उनको मोटिवेट करना, ये सब चीजें होती है हमारे डायरेक्टिंग के अंदर। सुपरवाइज करना किस तरीके से काम करो, राइट। एंड देन लास्ट इज कंट्रोलिंग, कि जैसे हमने पूरा प्लान किया उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसे हम सही करेंगे, तो वो चीज हो गई कंट्रोलिंग। तो ये फाइव फंक्शन है जो हर बिजनेस में, हम बोलेंगे ये सारे पांचों फंक्शंस के बिना हो ही नहीं सकता, ये फाइव फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि आप आगे के चैप्टर्स आप यही पढ़ने वाले हो, क्लियर डिटेल के अंदर। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया, कि सबसे पहले है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, कि इस तरीके से आपको प्रोडक्शन बनाना है गुड्स का जो सेटिस्फाई कर सके कस्टमर को। ऐसे नहीं मैंने बना दिया, अब मैं कह रही हूँ कि ये तो गुड्स मुझे सेल ही करने, नहीं, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और डिटेल में आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे जो कि पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, अब इसके कुछ फंक्शंस है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग बनाओगे। आपको प्राइस क्या रखनी चाहिए, इस तरीके की प्राइस रखो कि सारे कस्टमर्स क्या कर सके, उसे परचेस कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या रखना है, होलसेलर को दोगे या डायरेक्ट रिटेलर को दोगे, क्या मिडिल मैन आप चाहते हो उसके अंदर। और प्रमोशन एक्टिविटीज क्या रखनी है, आपको कितना एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उस पर डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट की, किस तरीके का आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है उससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, क्लियर। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब एचआर मैनेजमेंट क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस टेक इनटू कंसीडरेशन मैटर लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक डिसलाइक, नेसेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, इंटीग्रेट देम विद बिजनेस ऑब्जेक्ट, एनालाइज द बिजनेस टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमने ये देखा था कि एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो उस केस में उन्हें क्या दिया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उन्हें फील्ड दी जाती है, उन्हें डिपार्टमेंट दिया जाता है, उनके लाइक डिसलाइक का ध्यान रखा जाता है। पहले तो एचआर डिपार्टमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं था, पहले सिर्फ स्टाफिंग होता था कि लोगों को सिलेक्ट कर लिया, उन्हें जो काम पसंद है उनको वो काम दे दिया गया जिसमें वो टैलेंटेड है। लेकिन फिर एचआर डिपार्टमेंट बनने लगे बिजनेस के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जहां पे उन एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उनको वो काम दिया जाता है, और उनके लाइक डिसलाइक पर्सनली उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाता है, उनका पूरी मेंटेलिटी, उनका पूरा जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है। तो वही चीज वो बोल रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमें पता है जो कि लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, उसका एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन करना, और कैसे अलोकेशन करना कैपिटल का। आपके पास फाइनेंस तो है बट आप उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या आप बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे, नहीं। तो वही चीज बोल रहे हो, और अगर नहीं है मेरे पास तो मैं कहाँ से फाइनेंस क्रिएट करूं, तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो कहाँ से रेस करें कि हमें चीपेस्ट रेट पे मिल जाए, और है तो फिर से उसे इन्वेस्ट कहाँ करें, किस तरीके से मैं मेरे बिजनेस में लगाऊं, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इज द प्रोसेस विच इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल। किस तरीके से हमें प्रोडक्शन करना है, कि हमें प्लान करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन डायरेक्शंस रखने पड़ेंगे, और कुछ कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्शन इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन चाहिए, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयज तो टाइम वेस्ट करने में महान होते हैं, है ना। उनको तो है कि बस मुझे तो मेरे सिर्फ सैलरी से मतलब है, मुझे पता है मुझे मंथली का 50,000 मिल रहा है तो मिलेगा ही, अब मैं कितना भी काम करूं या कितना नहीं करूं, फालतू में मेरा एम्प्लॉय मुझसे इतना काम करा रहा है, होता ही यार बॉस है वो, उसको तो बस पैसा देना है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझसे तो पूरा ही काम करवा लेगा, 6 घंटे का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, काम करा रहा है 10 घंटे, होता है ऐसा। तो वही चीज है कि
वो क्या करेंगे, वो लोग भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए प्रोडक्शन को मैनेज करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टारगेट के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर? तो ये हमने चार यहाँ पे मैनेजमेंट देखे, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, एचआर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट। क्लियर? तो प्लीज इसे एक बार आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या इश्यूज लगे और आपको ये अच्छे से समझ में आया चैप्टर या नहीं आया। प्लीज कमेंट बॉक्स पे मुझे आप लोग कमेंट कीजिए। ओके ओके बाय।